द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है? सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? अवचेतन मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। व्हाट इज कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड? चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिनमें इच्छा शक्ति, विल पावर, याददाश्त, मेमोरी, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, गंभीर सोच, क्रिटिकल थिंकिंग आदि होते हैं। अवचेतन मन पूरे दिमाग का केवल 90% होता है, जिनमें आदतें, हैबिट्स, मान्यताएं, बिलीफ्स, भावनाएं, इमोशंस, प्रतिक्रियाओं, रिएक्शंस, जबूत मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अंतर्ज्ञान आदि, इंट्यूशन एक्सेट्रा आदि होते हैं। बाम चेतन और अवचेतन मन क्या है और कैसे काम करता है? जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग अपने पूरे दिल दिमाग से एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपके जीवन में मैजिक यानी जादू होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकते हैं। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? कोई इंसान क्यों बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये बुक आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। आपके भीतर का खजाना कैसे ढूंढे? आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटिज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज्ड लोग खुद पर शंका करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक, अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन दिमाग है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें, वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो, फिर आप जो भी चाहे वह बन पाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है।
कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और कैरियर लाइफ में कमजोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 senses से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है, पर अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता। वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव सजेस्टियन की शक्ति। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है अगर उसे सुझाव दिए जाए तो। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कप्तान है जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कॉम्पिटिशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है, तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूं। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और। हम सब ने यह नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति, हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकते हैं इसी वक्त। हम यहां आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज करते हैं। क्या आप जानते हैं
एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, TEDx Hypnotism, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स आसानी से किसी के भी अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं, और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है, उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा, और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो ये कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पे चला। ये है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आप कैसे अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान ले तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस जादू अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद, क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हो, तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड 95% सक्रिय होता है, और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज पर लिख लें और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए, और जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फोन साइड में रखकर 15 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसलिए आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है, वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है। जो आप उससे कहेंगे
वही बात करेगा। प्राचीन काल में मानसिक उपचार, पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3-स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है, पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोचोगे ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3-स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात नहीं पहुंच जाती जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार, अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार का अर्थ, एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वो कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई, और ऐसी ठीक हुई वह औरत मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपके सारी परेशानियां दूर कर देती हैं। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपके विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की गतिज क्रिया, किनेटिक एक्शन को मुक्त करना। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के दर्द को एक्यूप्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें, एक पासिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर लें, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपका अनुरोध अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, या फिर जो भी आप चाहे, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी आपके अवचेतन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। टू, विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है। एकदम क्लियर और एग्जैक्ट हमको अपने दिमाग में वही देखना है। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। 3, मानसिक मूवी विधि। पुराने लोगों की कहना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मानसिक मूवी विधि मेथड सबसे ज्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होती है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है, आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखी है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर्स के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आए। यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को बहुत कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुअलाइज करें,
और फील करें कि वो चेके आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और अभी अपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी जिंदगी में उससे कई ज्यादा मिलती है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए, और रात भर आपने जो विजुअलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। अवचेतन की प्रवृत्ति टेंडेंसी जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पे होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहां एक उदाहरण है। एक व्यक्ति को टीबी यानी कि क्षय रोग था, और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया, वो है मैं परफेक्ट, ताकतवर, कैरिंग, खुश और अपने आप में पूरा हूं। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें, हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं, और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। लेखक बताते हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, और जैसे वह आप विजुअलाइज करते हैं आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखते हैं, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये एफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है, और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं, और ये एफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। अमीर बनने का आपका अधिकार, अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा न समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझता हूं। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह
पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते, इसीलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास हैं। आपके पास आपकी दो आंखें हैं, आपके पास भगवान ने दो पैर दी है। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। इस बुक के लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हैं। एक्ट। पहला कदम, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले, फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा चरण, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा चरण, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो, वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते, आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। 16 का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम रमेश था, और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। यहां लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो था उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह अफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराना था। अफर्मेशन, मैं जान चुका हूं मेरे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियां हैं, और मेरा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूं और सुनता हूं मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। वैज्ञानिक सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट द फ्रीडरिच, जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उनका संदेश अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं, और उन्होंने उनकी समस्या सबकॉन्शियस माइंड को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बस से सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप के जैसा था। वो सांप खुद की पंच को ही खा रहा था, और फिर फ्रीडरिच को समझ आया
कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो, तब बेंजीन रिंग की खोज हुई। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता, जो चाहे वो कर सकता है। आपका अवचेतन और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारी एक तिहाई जिंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। प्रार्थना। नींद का एक रूप सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं, और यही आप सोते समय करते हैं। इसीलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है, और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव क्वोट्स को पढ़ना चाहिए, और इस हैबिचुअल सोच का न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में तैयार होना शुरू हो जाएंगे, और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड और वैवाहिक समस्याएं। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से हम अपनी जिंदगी में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और आप इसे मिलकर हल करें? आजकल के जमाने में ब्रेकअप या पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े पहनते हैं और उतार फेंकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी गुण होनी चाहिए, तभी आप आपके ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी खुशी। हम अपनी जिंदगी में अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत न समझे, ये बस एक उदाहरण है कि जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज पर होगा तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी तो आप बुरा महसूस करेंगे। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है, और इसीलिए नेगेटिव बात आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह से सोचना शुरू करें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप भी उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको इज्जत मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। दैनिक सुर्खियों ने उन्हें बीमार कर दिया। लेखक बताते हैं, एक एडमिट था जो रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, और रोज उसकी नजर वही नकारात्मक सुर्खियां पे जाती, और वो सुबह सुबह बुरा महसूस करना शुरू कर देता है। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की सेहत खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा, ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज या बातें नहीं पढ़ना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण, हार्मोनियस मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। साइकोएनालिसिस के संस्थापक सिगमुंड फ्रॉयड, इन्होंने कहा,
जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब होता है प्यार, जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, अच्छे इच्छाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। जितना आप प्यार देंगे, उससे कई ज्यादा आपको प्यार वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझता है। जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे, उसी तरह आपके साथ भी होगा। जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। माफ करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति से जीना है, तो आपको अपनी नफरत करने वाले लोगों को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान था महेश। वो रोज अपनी नौकरी पर जाता था और वो सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं है। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलतियों से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस एक दूसरे आदमी ने गलती से महेश पर कॉफी गिरा दी। तभी से महेश अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी की सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा, इसलिए कॉफी गिर गई होगी। तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसको माफ करना है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए ये अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहे, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूं, और अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा, और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूंगा वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये अफर्मेशन कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड की रुकावटों को दूर करता है? हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मानसिक अवरोध यानी सीमाएं को हटाता है? अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट को छोड़ना सीख गए, तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत बनती कैसे है और उसे हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत छोड़नी है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू एंटी रूटीन डेंट रिवॉर्ड। क्यू क्यू का मतलब होता है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे कि एक साधारण उदाहरण लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है, तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर्स मिलते हैं किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हैं तब या दोस्तों के साथ। तो रूटीन होता है जो वो आदमी सिगरेट पीता है, और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटीन का डोज उस व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड है जो सुकून प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा डर को दूर करने के लिए। अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? हम किसी भी डर को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? की बार हमें किसी ना किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए इसको एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे लेखक से मिलाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके एक मिनट के लिए गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन दो तीन बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था
और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हमेशा स्पिरिट में कैसे रहें, आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर हमारी आत्मा नहीं। और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है। तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट करते रहे, मैं दिन पे दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहे। तो आशा है कि आपने इस किताब से बहुत कुछ सीखा होगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।